पाकिस्तान की जान आलिया खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से? आज मैं आई हुई हूँ लियाकत अली खान की आर्ट एकेडमी में और आपको दिखाऊंगी उनकी कुछ पुरानी यादें, कुछ तस्वीरें, कुछ ऐसे असासे जो कि हमेशा हमारे पास रहेंगे, आपके पास रहेंगे, क्योंकि लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनसे जुड़ी हुई जो यादें होती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। लियाकत अली खान इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं और ऐसे आर्टिस्ट की हमेशा कदर करनी चाहिए, स्पेशली अगर हम कोहाट की बात करें तो कोहाट का वो कीमती असासा है। सो आज हम उनसे मिलेंगे, उनके काम पर बात करेंगे, उनके स्टूडेंट से बात करेंगे और उनकी बहुत सारी यादें जो कि उनसे जुड़ी हुई हैं उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, इसकी हम बात करें तो ये उनकी रिहाइश गाह भी है, आप चलें ये उनकी रिहाइश गाह भी है। ओके ओके, आई नो दैट। तो नीचे वो रहते हैं, उनकी रिहाइश गाह है और ऊपर उनकी आर्ट एकेडमी है। सो चलें, देर किस बात की है, निकलते हैं आगे की तरफ। लियाकत अली खान आर्ट एकेडमी का ये बाहर का व्यू है, यहाँ पे वेंटिलेशन का बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है और जाहिर सी बात है कि जब आप आर्ट से मुंसलिक होते हैं तो आपको रोशनी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो रोशनी का यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है। ये तो ले गए हैं, वो अपने घर में गाड़ी का गैराज बनाए। तो फिर उस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई जो भी नहीं हुआ, सचिन ने नहीं कहा। फिर वो तस्वीर जो थी ना, ऐसी जगह रखी थी कि यहाँ तस्वीर पड़ी है ना, ये खुली है बिल्कुल, जगह ऊपर छत है, अब बारिश का पानी सारे ऐसे आ रहा है, तो वो हमने लियाकत आर्ट एकेडमी का अर्सा तो काफ़ी सारा हो गया और इस अरसे में बहुत सारी फीमेल मेल बच्चियां जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं और बास तो यहां पर कुछ ऐसी स्टूडेंट्स भी हैं जो कि 2017 में आई और अब 2023 के बाद भी यहां पे मौजूद है और यहां से वो कह रही है कि यार आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिस तरह आप सांस लेते हैं और सांस के बगैर आपकी ज़िंदगी का तस्वर ही मुमकिन नहीं है, इसी तरह आर्ट के बगैर भी आपकी ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं और जिनकी मैं बात बता रही हूँ उनसे भी एक इंटरव्यू करेंगे, वो भी सरप्राइज़ है एक अच्छा खासा, उनकी लाइफ को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर, उनके काम को लेकर इस हवाले से इंटरव्यू करूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे और फीमेल हैं जो अपने अपना काम कर रही हैं और हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ देख सकते हैं हम सिर्फ सोच सकते हैं। यहाँ मेरे साथ मुनज़्ज़ा मौजूद हैं और मुनज़्ज़ा जो है एक स्केच पे काम कर रही है। मुनज़्ज़ा, ये कितने दिन हो गए हैं इस पे काम कर रही हो? मैं नॉर्मली जो है 15 टू 20 डेज लेती हूँ एक स्केच पे। 15 टू 20 डेज एक स्केच पे जी। और इसमें मतलब ये ब्लैक एंड वाइट पे 20 डेज लग जाते हैं या नहीं, कलर के साथ 20 डेज लग जाते हैं? ब्लैक एंड वाइट पे भी, कलरफुल भी, क्योंकि डिटेलिंग करनी होती है ना, आपको शेड्स लाने होते हैं, डार्क एंड लाइट, एंड में फिर प्रॉपर डिटेल्स निकालने होते हैं। अच्छा। तो टाइम लग जाता है। तो मेरे इस चांस से चेहरे की स्केच बना लूंगी,
जरूर क्यों नहीं। और अगर मैं उसके लिए मुझे तुम्हारे सामने बैठना पड़ेगा या नहीं, मेरी तस्वीर ही काफ़ी है। बस आपकी तस्वीर ही काफ़ी है। मेरी तस्वीर ही काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठी रहूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स हैं लियाकत सर की, जो कि कैलीग्राफी कर रही हैं, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। जी ये क्या बना रही है? ये तो अलिफ बे ते से नहीं है। मुझे तो यही समझ आएगा ना, इनिशियल है। चलें, वो कह रही है कि नहीं 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 मैंने बात नहीं करनी, मैं घबरा रही हूँ। हालांकि इमरान खान साहब कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अच्छा, तो ये क्या चल रहा है भाई, आप क्या लिख रही हैं? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ये आपका स्टार्ट है, इनिशियल चल रहा है? जी, आपने ग्रेजुएशन कर चुकी है। अच्छा, तो तालीम हासिल करना और फिर प्रैक्टिकली कितना फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है, लेकिन तालीम से ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। और फिर अगर आप पढ़ चुकी हैं, आपने डिग्री ले ली है, फिर आप इस पे काम कर रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाती हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपको अलिफ बे ते समझ में आ रही होती है ना। बिल्कुल, आसानी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि सर हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपका? मेरा 8 माह हो गया। 8 माह हो गए हैं, तो 8 माह में कैलीग्राफी में तो मतलब एक ही वो होता होगा ना, मतलब एक जैसी थीम होती होगी, एक ही उसकी सीरियल होती होगी, या नहीं कुछ डिफरेंट चीज़ें भी? डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं। अच्छा, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट शक्लों में लिखी जाती है। जैसे एक उर्दू कैलीग्राफी को भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ओके ओके, डिफरेंट स्टेप्स। वेल जनाब, सीखने और सिखाने का अमल तो जारी रहता है, और यहाँ मेरे साथ मौजूद है गुलालई। कितना खूबसूरत यूनिक सा नाम है। सो गुलालई जो है वो स्टूडेंट है सर लियाकत की, जो कि 2017 से आई एम राइट 2017 से फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, और अब 2023 भी चल रहा है, बल्कि अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, और वो यहाँ पे मौजूद है। तो गुलालई, आपका ये जो पूरा सफ़र है, इसमें तो मेरा एक लंबा इंटरव्यू करना है, लेकिन ये बताएं कि ये मतलब ये क्या है, मतलब आर्ट आर्टिस्ट ये क्या है, मतलब इससे क्या होता है? क्या ये होता है? जैसे मुख्तलिफ किस्म के इंसान होते हैं, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ इंसान आर्टिस्ट होते हैं बाय बर्थ, ये चीज़ आप किसी में डाल नहीं सकते, ये चीज़ इंसान के अंदर होती है। लेकिन जब हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ पे हम इन चीज़ों को बाहर लेके आ जाते हैं, और फिर अपनी चीज़ों को कैनवासेस डिफरेंट बोर्ड्स पे लेके आते हैं, तो वो इंसान के अंदर की खूबसूरती, हर आर्टिस्ट के अंदर की खूबसूरती जो होती है वो बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। और दूसरा, आप मुझे ये भी बता रही थी कि सर लियाकत के साथ मिलके भी आपने कुछ पिक्चर्स पे, पेंटिंग्स पे काम किया हुआ है। और जो पीछे मुझे नजर आ रही है, ये भी आप लोगों की कम्बाइंड? जी जी जी, जी ये सर लियाकत और मेरी कंबाइंड पेंटिंग है, जिस पे हम मिलके काम करते हैं। हाँ, जब सर भी के पास टाइम होता है, हम सारे मिलके एकेडमी में, और स्टूडेंट्स जब काम करके चले जाते हैं, तो हम बैठे रहते हैं और इस तरह की पेंटिंग पे काम करते रहते हैं। बिल कहते हैं ना कि कोई शौक का कोई बोल नहीं होता, और गुलालई एक वो स्टूडेंट हैं जिनका अपना घर है, अपनी फैमिली है, एक अदरमिया है, ससुराल है, लेकिन उस सब के बावजूद मतलब देखिए ये अपने शौक़ को इतने सारे सालों से मैं कहूँगी कि संभाल के रखी हुई हैं, और ज़िंदगी को जी रही हैं, खुश रह रही हैं। तो करते रहना चाहिए, जो भी आप लाइफ में कुछ ना कुछ अगर आपका मन करता है तो उस पर काम करते रहना चाहिए। फिर उसके साथ ये है कि शेख जैद के पोर्ट्रेट हर साल में उनका साइज ज़्यादा करता रहा, यहाँ तक कि 2220 मरबा फुट का पोर्ट्रेट मैंने लगाया, तो शेख जैद ने मुझे उसे इनवाइट किया अपने महल में, और 2.5 घंटे की मुलाकात का शर्म। लियाकत अली साहब का ये ऑफिस है जहाँ पे उनकी पुरानी यादें हैं, शायद आज से 25 साल 27 साल पहले का जितना भी रिकॉर्ड था, ये सारा यहाँ पे मौजूद है। इनको जब भी लियाकत साहब देखते होंगे तो कितनी ही ऐसी बातें होंगी जो उनको याद आती होंगी। ये पेंटिंग्स, ये तोहफे, ये तस्वीरें, ये यादें, ये इनकी लियाकत साहब की जवानी की तस्वीर, ये सारे असासे हैं, ये सारे असासे लियाकत साहब के हैं। और मेरे ख़्याल से कि वो लोग खुशकिस्मत हैं जो लियाकत साहब की सोहबत में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन वो अपना हुनर दूसरों को दे जाते हैं, और वो हमेशा उस फन में, उस आर्ट में हमेशा अमर हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
तो फिर मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।